अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट सक्सेस में। तो आज है तारीख 2 अक्टूबर 2017। तो आज की द हिंदू डिस्कशन शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ आइटम पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन बाय जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल में मेनली कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो फिर उसके बारे में जानेंगे हम। पहले होते हैं चेयरमैन, जो सबके हेड होते हैं। हमारे चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के। फिर उसके बाद उनके अंडर अदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस या फिर रेवेन्यू, जिनकी पावर होती है 1/3 वोटिंग पावर होती है इनकी। और साथ ही साथ इसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर अपने नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर स्टेट के द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, जिनकी पावर होती है 2/3 ऑफ द वोटिंग पावर। कोई भी रेजोल्यूशन पास करना होता है या फिर कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो फिर उसके लिए 3/4 ऑफ द मेंबर्स की सहमति से वो वोट पास होना चाहिए। कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो फिर 3/4 की सहमति जरूरी है। साथ ही साथ अगर कोई भी मीटिंग बैठानी है तो 50% ऑफ द मेंबर होने चाहिए मिनिमम कोरम। मतलब अगर कुछ भी चीज़ काउंसिल बैठानी है, कुछ भी डिसीजन पास करना है, मीटिंग बैठेगी तो 50% मेंबर्स होने जरूरी हैं। जिस तरीके से आपको पता है जीएसटी में मेनली चार स्लैब्स हैं। चार कौन कौन से स्लैब हैं? 5, 12, यहाँ पे लिखा है 5, 12, 18 और 28। तो यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जी द्वारा बोला गया है, हम ये जो जीएसटी स्लैब्स हैं इनको रिड्यूस करने की बात करी जा रही है। रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? रेवेन्यू हमारा और ज़्यादा कम होगा। रेवेन्यू जो हम दे रहे हैं, टैक्स देते हैं, इससे क्या होगा? फ़ायदा किनको होगा? स्मॉल टैक्स पेयर जो इनको दिक्कत आ रही है अभी टैक्स पे करने में और वो इनको बर्डन समझ रहे हैं, तो फिर इनको ये रिड्यूस करेंगे। जो कंप्लायंस है, इट विल रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। इनके ऊपर जो बर्डन आ रखा है उनको रिड्यूस करेगा वो। इसमें बोला गया जिस तरीके से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, रेवेन्यू मतलब लोग जब लोग टैक्स रिटर्न करेंगे और हमारे पास रेवेन्यू काफ़ी आ जाएगा, टैक्स बॉयंसी मतलब टैक्स इंक्रीज़ होगा, हमारे पास टैक्स की कमी नहीं होगी, हमारे गवर्नमेंट के सरकार के पास टैक्स रिटर्न ज़्यादा होंगे, तो हम लोग इसको जो जीएसटी स्लैब्स हैं हम इनको रिड्यूस करने की बात करेंगे। इसमें लिखा ना, टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन एज फार एज स्मॉल टैक्स पेयर्स आर कंसर्न। साथ ही साथ इसमें बोला गया बेटर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इंडिया में। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में बोला जाता है, इट इज़ बोला इन अ सोसाइटी विच डू नॉट कन्वेंशनली माइंड, हम लोग मानते नहीं है कि टैक्स हमको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हम लोग जनरली हमारा माइंडसेट होता है कि हम टैक्स दे देंगे, हाँ आराम से दे देंगे, बाद में दे देंगे। तो हमको इसको समझना होगा, हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज लाना होगा। इनका ऐसा कहना है, पीपल आर रियलाइजिंग द वर्च्यूज ऑफ कंप्लायंस विच कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। इसमें बोला गया है जब हम टैक्स न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, टैक्स न्यूट्रल हो जाएगा हमारा, तो फिर हम ये जो जीएसटी स्लैब्स हैं हम उनको रिड्यूस करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी जो जो ये जीएसटी है इसमें क्या है, जो भी सारे टैक्सेस हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, सारे के सारे टैक्स, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, वो सब सब्ज्यूम होकर एक जीएसटी बना दिया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक जीएसटी अब किस टाइप का टैक्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। तो एग्जाम्पल कभी आता है एग्जामिनेशन में, तो विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम, तो फिर ये जीएसटी है। ठीक है, अभी कुछ कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट हो रखी हैं जीएसटी से, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, रियल एस्टेट हो गया, सेल ऑफ लिकर हो गया। ठीक है, क्योंकि स्टेट से इसका पूरा मतलब मेजर रेवेन्यू यहीं से आता है, तो फिर ताकि उनको लॉस ना हो स्टेट को, तो अभी उनको जीएसटी के बाहर रखा गया है। हालांकि जीएसटी अभी मैं एग्जाम में सही बताऊं तो इंपॉर्टेंट जीएसटी में अभी एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ऊपर ऊपर से चीज़ें आप अगर आप देखते रहोगे, जैसे कौन सा अमेंडमेंट बिल था, तो 122nd अमेंडमेंट बिल था ये, और तो ऊपर ऊपर से चीज़ें जो रोज़ आती रहती है, आप अगर आप उनको भी पढ़ोगे जीएसटी आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। आपको मेन बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी इट इज़ जीएसटी इज़ अंडर प्रोग्रेस, तो हमारे अभी कंट्री में चल रहा है ये। आपको बस मेन प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए, रोज़ आर्टिकल आते हैं उनको पढ़ना चाहिए, और ये जितनी भी डिटेल्स होती है इतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में तो आप इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम कैटालोनिया से आ रही है, कैटालोनिया वॉन्ट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्पेन। तो फिर अभी न्यूज़ ये है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिस तरीके से यहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, आयोजित हुआ था, और कैटालोनिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम लोग स्पेन के साथ नहीं रहने वाले हैं, वी वॉन्ट अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम द स्पेन।
तो फिर उसके बदलाव में पुलिस ने बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रोटेस्ट किया उन पे, रबर बुलेट से उन पे अटैक किया, काफ़ी लोग इंजरी हुई, बहुत लोगों की इंजरी हुई। तो फिर ये न्यूज़ आइटम है। अब हम जानेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, रिफ्रेंडम जिस तरीके से आयोजित यहाँ पर हुआ है, तो हम इसकी लोकेशन जान लेंगे कैटलोनिया, और क्या रीजन्स है कैटलोनिया स्पेन से अलग होना चाहता है। ये टैक्स मैंने खुद कैटलोनिया से लिया है, मतलब कि जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं, ये क्वेश्चन कोरा में पूछा गया था। तो इनका कहना है, यहाँ पर लिखा है, इनकी कंट्री जो कैटलोनिया कंट्री है वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते थे, और जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट होता था, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो भी डेवलपमेंट होता वो अदर स्पेन रीजन में होता था, जबकि कैटलोनिया में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था। दे पे मोर टैक्सेस टू द स्पेनिश गवर्नमेंट एंड वी वॉन्ट टू कंट्रोल आवर मनी, समझ में आया। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि इन दोनों के कल्चर्स डिफरेंट हैं। अब उनका किस तरीके से कल्चर डिफरेंट है वो तो उन्हीं को पता होगा, मतलब कि स्पेन का कल्चर और वहाँ का कैटलोनिया का कल्चर डिफरेंट है, एंड दे पे मोर टैक्सेस देन द स्पेनिश गवर्नमेंट, और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, सारा का सारा रेवेन्यू स्पेन गवर्नमेंट को जाता है। तो ये वो न्यूज़ आइटम, ठीक है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। डिफाई मतलब कैटलन्स, डिफाई मतलब मना कर दिया कि मैड्रिड गवर्नमेंट में हम ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे स्पेनिश गवर्नमेंट कहती है कि एक जो अभी रिफरेंडम ऑर्गेनाइज हुआ है, इट इज़ एन एब्सर्ड इवेंट, इट इज़ अ कॉमिक इवेंट, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है क्या, हम किसी को इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, और ना ही हम कैटलोनिया का कोई अस्तित्व मानते हैं। तो इसके तहत यहाँ पर रायट हुए, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए पुलिस के बीच में और सिविलियंस के बीच में। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अनाउंसमेंट से रिलेटेड, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, हमारे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इसे पता होना चाहिए। सुषमा हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने सबसे गुहार लगाई है। 2015 में एक लड़की थी जिसका नाम था गीता, और ये पाकिस्तान से लाई गई थी, एक इधी फाउंडेशन नाम की एक फाउंडेशन है पाकिस्तान में, उन्होंने हमारे इंडिया को हैंडल ओवर किया गीता नाम की लड़की को, और लेकिन गीता शी कैन नॉट टॉक एंड शी इज़ ऑल्सो डीफ, ये ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है, और लेकिन इसके अभी तक मम्मी पापा नहीं मिल पाए हैं। तो फिर और इसका इसका जो घर का नाम है, इसने लिखा था गुड्डी नाम है इसका। तो फिर इस लोगों से गुहार है, सब लोगों से, कि इनके जो भी माता पिता हैं वो लोग इनसे मिलें, और अगर आसपास में अगर आप लोग किसी को जानते हो कि किसी की बेटी खोई थी तो वो लोग अपने बता सकते हैं, अपने यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर बोला गया 1 लाख तक का इनाम मिलेगा उसको। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था ये। तो यहाँ पे मैप करना यहाँ पे भूल गया था मैं, तो यहाँ पर आप ये लोकेशन देख सकते हो, ठीक है, ये है स्पेन, और यहाँ पे जो स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट मतलब अ नैरो जोन कनेक्टिंग द टू बिगर वाटर बॉडीज़, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के राइट साइड कौन सा बड़ा ओशन आता है, एक ये मेडिटेरेनियन सी है, और लेफ्ट साइड कौन सा है, ये अटलांटिक ओशन। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए एक यहाँ पे गिब्राल्टर कंट्री, गिब्राल्टर रीजन भी आता है, जो कि कौन से किसके अंदर कंट्रोल है, वो है कंट्रोल यूके के अंदर। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया था क्योंकि जब जिस तरीके से ब्रेग्जिट हुआ था तो यहाँ पर जिब्राल्टर में भी मांग उठी थी कि हम लोग भी ब्रेग्जिट होना चाहते हैं, यहाँ से मतलब स्पेन से अलग होना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से मांग उठी। तो फिर लोकेशन पता होना चाहिए, जिब्राल्टर भी स्पेन में है, कैटलोनिया भी स्पेन में है, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ से होकर गुजरता है, राइट साइड मेडिटेरेनियन सी है, और लेफ्ट साइड में अटलांटिक ओशन है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो, मोरक्को एंड स्पेन आर दी ओनली कंट्री डैट इज़ फेसिंग टू ओशंस। एक तो मोरक्को में कौन सी दो ओशन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो अटलांटिक ओशन हो गया, राइट साइड में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी हो गया, मतलब बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, करेक्शन। तो यहाँ पे स्पेन में भी इस तरीके से है, सेम यहाँ पे इस साइड हो गया अटलांटिक ओशन और यहाँ मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी चीज़ एक बड़े से हादसे को अहम अंजाम दे सकती है, जिस तरीके से यहाँ पर मैसूरू में एक चिड़िया ने हिट कर दिया था हेलीकॉप्टर को, तो यहाँ पे देखो इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो दिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी पर्पस, हम कुछ कहीं यूज़ कर सकते हैं कहीं पे आएगा तो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था, ठीक है ये भी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लिंगायत कम्युनिटी से रिलेटेड, यहाँ पर बीजेपी लीडर्स ने मना कर दिया मीटिंग से, मतलब स्किप कर दी मीटिंग। तो हम जानेंगे लिंगायत्स थे कौन। तो लिंगायत्स ये स्पेशल टाइप की एक कम्युनिटी है, और ये अपने आप को ये साबित करते हैं कि बोलते हैं वी आर नॉट द ट्रू हिंदू, हम लोग हिंदू से अलग हैं, और ये मांग कहाँ उठ रही है, कर्नाटका के रीजन में उठ रही है। ये बोलते हैं ये लोग शिव भक्त हैं, शिव भक्त मतलब वैर शैवा कम्युनिटी है इनकी, वीर शैवा कम्युनिटी, यहाँ पर मैं देख देता हूँ। तो यहाँ बोलते हैं वीर शैवा कम्युनिटी के हैं, इनको फॉलो करते हैं, शिव भक्त हैं, और इनकी डिमांड क्या है, दे वॉन्ट अ माइनॉरिटी रिलीजियस स्टेट,
मतलब कि माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं हम अपने लिंगायत धर्म को, जिस तरीके से सिख्स को, मुस्लिम्स को और ये पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, उसी तरीके से हमको भी अलग से एक स्टेटस दे दिया जाए। इनके रिफॉर्मर के लीडर का नाम क्या है? बर्शावर, ठीक है, बर्शावरा, बर्शावरर नाम है इनका, ठीक है। बस आपको स्टेट पता होना चाहिए कौन से कहाँ ये क्या चीज़ है और कहाँ मांग उठ रही है। यहाँ पे एक न्यूज़ आइटम आ रही है, चाइना ने इग्नोर किया इंडिया की एयरली प्रैक्टिस जो हमेशा से चली आती रहती थी। इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा मीटिंग होती थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ऑन द डे ऑफ चाइनीज़ नेशनल डे। चाइनीज़ नेशनल डे कब आता है? 1 अक्टूबर को। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है भले ही डोकलाम विवाद सुलझा दिया गया हो, लेकिन वी कैन नॉट से डैट कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है ना, सब मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस टाइम दे हैड नॉट इन्वाइटेड इन द सेरिमोनियल बॉर्डर पर्सनल मीटिंग एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, अक्साइजिन एरिया दिस हैज़ बीन डोमिनेटेड बाई चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर मीटिंग होती थी। दे वर कॉल्ड बाय द पाकिस्तान, करेक्शन, पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से न्यूज़ आ रही है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़, क्योंकि ऑल द ऑफिशियल्स लैंग्वेजेस, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने बोला है सारे बैंक को निर्देश दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं दे शुड इनेबल द कोर बैंकिंग सर्विसेज इन हिंदी। यहाँ पर लिखा ना हिंदी, जिस तरीके से हमारे किसान भाई लोग और जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों को इंग्लिश के बारे में नहीं होता है पता, तो दे आर फोर्स टू फिल द फॉर्म इन इंग्लिश, और या फिर जो भी पासबुक उनको मिलती है उसमें इंग्लिश में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी डिटेल्स होती है, बैंक डिटेल्स होती है, वो सब इंग्लिश में होती हैं। सो दे हैव अर्ज्ड ऑल द बैंक्स, ऑल द प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इनेबल द कोर बैंकिंग फैसिलिटीज इन हिंदी। इसमें बोला गया इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए कि बैंक उनको ट्रांजेक्ट कर दे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब हिंदी में शो करें उन्हें। एक तरीके का सॉफ्टवेयर इन्फोसिस ने भी बनाया है, वो हिंदी में कन्वर्ट करता है कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर बैंक को भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोला है हिंदी के अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं अगर उसका इस्तेमाल भी हो सकता है तो ये भी अच्छी बात है। कुछ कुछ बैंकों में जिस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र ने कुछ इस तरीके का काम किया है, ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स लैंग्वेज एक्ट 1963, इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं लिखा है कि हम लोग हिंदी को हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो और इस तरीके से हमें नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा और साथ ही साथ हमको लोगों को एंकरेजमेंट मिलेगा उनकी जो भी उनकी लैंग्वेजेस हैं उनको संवारने में और उनको प्रिजर्व करने में। ऑल इंडिया रेडियो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च सर्विसेज इन वेरियस कंट्रीज सच एज जापान, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका। मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो जो हमारी किसके अंदर आती है? प्रसार भारती के अंदर आती है। अभी तक वो सिर्फ इंडिया में थी, वो चाहते हैं कि अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपेंशन हो, जापान, जर्मनी एंड अदर फॉरेन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इंफॉर्मेशन के लिए हमारा, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा रहता है वहाँ पर, तो उनको हेल्प करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन, ताकि उनको भी अवगत कराया जा रहा है इंडिया में क्या क्या हैपनिंग हो रही है। तो फिर ये ऑफिशियली जो हमारी गवर्नमेंट की रिलीज होती हैं वो भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम सी डी एस वालों के लिए इंपॉर्टेंट, सी ए पी एफ वालों के लिए इंपॉर्टेंट, राफेल जेट्स के बारे में। इट इज़ रेडी टू गेट 36 राफेल जेट्स फ्रॉम द कंट्री कॉल्ड एज फ्रांस, ठीक है। याद रखना इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है और ये कहाँ कौन सी कंट्री के जेट्स हैं राफेल, ये हैं फ्रांस के। इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दिस इज़ राफेल जेट, इसका पूरा नाम है दसॉल्ट राफेल। ये कुछ कुछ लिस्ट हैं जो कि कौन सी कंट्री से ओरिजिन रखती हैं, तो आपको सभी इतने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, इतने सारे याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट होती हैं और न्यूज़ में जो आती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले जेट्स हैं। तो पहले ये Su-30MKI है, रशिया का है, हाल तेजस आप पढ़ लेना, इंडिया का है, और इसके अलावा मिराज पढ़ लेना, फ्रांस का है, और बोइंग C-17 अभी एक्वायर किया इंडिया ने, ये USA का है। इसके अलावा हॉक UK से लिया गया, UK एंड इंडिया ने मैन्युफैक्चर किया है, और साथ ही साथ याद रखना हाल ध्रुव चीता एंड चेतक ये इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड हैं। MI-17 रशिया का है, MI-26 USSR का, MI-8 भी USSR का है, मतलब कि पहले मतलब रशिया कह सकते हो आप। ये वो न्यूज़ कैटालोनिया के बारे में, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ये इंडियन कंटेक्स्ट में आजकल डिबेट में जिस तरीके से रोज़ आर्टिकल आ रहे हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं इनके बारे में, शुड रेफरेंडम बी कंडक्टेड इन इंडिया और नॉट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट।
तो आपको बताओ कितने क्या डिफरेंस है रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट में। रेफरेंडम में सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, आइदर इधर येस और नो। प्लेबिसाइट में अलग अलग ओपिनियन बताए जाते हैं, जिस तरीके से एक एक ऑप्शन होता है येस नो, फिर उसमें ऑप्शन अलग भी होता है एक अदर रिफॉर्म्स क्या चाहते हो, तो फिर उसमें अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं मोर देन टू। करेक्शन मतलब मोर देन वन ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें। इस रेफरेंडम को कंपेयर किया गया था कल के एडिटोरियल में, रेफरेंडम ऑफ कैटलोनिया विद रेफरेंडम ऑफ खुर्दिस्तान। यहाँ पर कैटलोनिया के रेफरेंडम को उससे भी कंपेयर किया गया है, ब्रेग्जिट के जब स्कॉटलैंड वांट्स टू सेपरेट फ्रॉम द यूके, जब यूनाइटेड किंगडम से अलग होना चाहता था स्कॉटलैंड, तब वहाँ पे बोला जाता था, जब स्कॉटलैंड अलग होना चाहता था रेफरेंडम से, तो फिर यूके ने हेल्प की थी, उनकी गुजारिश की थी यू डोंट गो फ्रॉम हेयर, हम आपको जितनी फैसिलिटीज़ होंगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरीके से उसको कंपेयर यहाँ पर कराया जा रहा है, यहाँ पर स्पेन बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं कर रहा जबकि अपोज कर रहा है, जबकि उनके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, उनके ऊपर वायलेंस कर रहा है। यहाँ पर स्पेन किसके खिलाफ, या कैटलोनिया के खिलाफ। तो आप आर्टिकल पढ़ते रहना, एडिटोरियल में आते रहते हैं ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे भी सेम न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है क्रीमिया की तरफ से। 3 साल हो गए हैं जब क्रीमिया ने फाइनली डिसीजन ले लिया था, दे वांट टू ज्वाइन द रशिया, इट हैज़ बीन स्नैच फ्रॉम द यूक्रेन। पहले ये पार्ट था किसका, यूक्रेन का पार्ट था, उसके बाद रशिया के द्वारा ले लिया गया था क्रीमिया का पार्ट। क्रीमिया का पार्ट ये है ठीक है, क्रीमिया ये है। तो हमको यहाँ पर स्ट्रेटजिक लोकेशन जाननी है पहले, तो पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं। न्यूज़ ये है, इनका एलिगेशन लग रहे हैं कि जो भी रशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी रशियन गवर्नमेंट है, उनकी लैंड एक्वायर कर रही है, मतलब उनके जो पर्सनल घर हैं, जो भी इनकी ज़मीन है क्रीमिया वालों की, वो लोग मतलब एक्वायर कर रहे हैं, उनसे उनसे छीन रहे हैं। दे आर इन एग्रेसिव मूड। यहाँ पर लिखा है क्रीमिया फेसेस सीजन ऑफ डिसकंटेंट, यहाँ पर ठीक है, ये न्यूज़ पढ़ लेना। मोर देन 3 साल हो गए हैं और यूक्रेन से अलग होते हुए। तो हम लोकेशन देख लेते हैं, ये ब्लैक सी के अराउंड आता है। ब्लैक सी के अराउंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप कोई भी कंट्रीज देख लो, तो यहाँ पे यूक्रेन है, रशिया है, फिर जॉर्जिया हो गया, फिर टर्की हो गया, फिर ये बल्गेरिया, फिर रोमेनिया, और फिर इसके बाद फिर अगेन यूक्रेन है। मल्दोवा इज़ ए लैंड लॉक कंट्री। ये सब कंट्रीज़ आपको एक दिन में याद नहीं होंगी, लगातार आप मैप देखते रहोगे, रोज़ रिविजन करते रहोगे, देखते रहोगे लोकेशन, तो तब जाके आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। और अगर कैस्पियन सी की बात करें, जो कि यहाँ पे एशिया में आता है, यहाँ पे मिडिल एशिया में आता है, यहाँ पे कैस्पियन सी किसके अराउंड है, यहाँ कजाकिस्तान, रशिया, फिर यहाँ पर जॉर्जिया नहीं आएगा, याद रखना जॉर्जिया नहीं है, इट इज़ नॉट फेसिंग कैस्पियन सी, जॉर्जिया इज़ फेसिंग, जॉर्जिया ब्लैक सी को फेस कर रहा है। और फिर अरबेजान आ गया, फिर यहाँ पे ईरान है, फिर तुर्कमेनिस्तान, एंड रशिया इज़ द ओनली कंट्री विच फेसेस टू ओशन, मतलब दो सी को फेस कर रहा है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी को भी, ये दोनों के दोनों सी इसमें आ रहे हैं ठीक है। यहाँ पर GST बोलती है, जो पुरानी बुरी आदतें थी अभी भी लोगों के अंदर नहीं गई हैं, वो अभी से उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए अभी भी GST रिटर्न को लेकर, वो अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, अभी इसमें बोला जाता है कि अभी लोगों को क्लैरिटी नहीं आई है किस तरीके से GST रिटर्न फाइल करने हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है उसमें, GSTN नेटवर्क अभी अच्छे से बन नहीं पाया है, और साथ ही साथ बोला गया है इसकी लास्ट डेट दी गई थी वैसे अगस्त में, लेकिन अभी इसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर चुका है। हालांकि GSTN रिटर्न इंक्रीज़ हुए हैं, 45% मतलब टोटल आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने फाइल नहीं किए हैं। इसमें क्या लिखा है, लीड टू हैव 45% एक्सेसेज नॉट फाइलिंग द GST रिटर्न। अब इससे उनको दिक्कत आ रही है, जो 55% लोग जिन्होंने GSTN पर अपना रिटर्न फाइल कर दिया था, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GST से हमको लाभ होगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, वापस मिलेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट भी अभी इसलिए डिले कर रही है, क्योंकि आधे लोगों ने तो जमा कर दिया लेकिन आधे लोगों ने जमा नहीं किया है, तो इससे उनको टैक्स रिटर्न जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए था, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था जल्दी, और अपना बिजनेस स्टार्ट करना था ताकि ताकि हमको टैक्स रिटर्न मिले, तो वो भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है न्यूज़ आइटम इसके बारे में। GST के बारे में आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GST के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते रह रहे हैं, तो आप बस देखते रहो कि क्या चीज़ हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, कंटेक्स्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सिर्फ एक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, वी शुड नो दिस। तो यहाँ पर इसके बारे में आर्टिकल भी आते हैं, कल परसों भी आता है इसके बारे में, अबाउट द ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, और जिस तरीके से हमारा स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है, और हर स्टेट चाहता है कि हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में आ जाएं,
ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बन जाए, हमको स्टेटस मिल जाए। तो लेकिन ये हमारे एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए। हमारे जबरदस्ती किसी को अगर फोर्स करके या फिर उसकी डिग्निटी को हर्ट करके हम ये किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। यहाँ पर बोला गया है, गवर्नमेंट विल बी शेमिंग दोज पीपल हु विल डेफिकेट इन ओपन। तो हम ये अर्बन मिनिस्ट्री ये चला रही है, अगर कोई भी पाया गया जिनको जिन जो जिनके पास टॉयलेट अवेलेबल हैं और वो यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये तो सिर्फ ऑफिशियल बात होती है, गवर्नमेंट की सरकार की बात होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कंडीशन कैसे होती है उनको सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जिनको दिक्कत होती है। क्या पता बहुत सारे लोगों को के पास मतलब कि सरकार ने बना तो देंगे टॉयलेट्स लेकिन उन्हें पानी की सुविधा नहीं होगी, और कुछ लोगों को अभी तक शायद से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं किए होंगे, वो लोग मजबूर हैं, वो लोग बता भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया दे विल शेम देम। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, आप खुद बताइए। तो आप ये समझना खुद ही, इसके आर्टिकल आते रहते हैं रोज। जिस तरीके से आप भी खुद हंसोगे, जिस तरीके से बिहार और झारखंड में भी ऐसे ही सरकार ने क्या था जो मतलब ओपन ओपन डेफिकेशन कर रहे थे उनकी लुंगी खींच दी गई थी। इसमें आर्टिकल का ये भी कहना था, वी शुड एनफोर्स द ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बट वी शुड नॉट हर्ट द इंटेंशन ऑफ द पीपल एज वेल एज द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। ये न्यूज़ मैंने इसलिए डिस्कस की ताकि आप भी इसको एज अ एग्जाम्पल कोट कर सको और यूज़ कर सको। डायरेक्टली आप किसी स्टेट का नाम तो ले नहीं सकते, ना ही गवर्नमेंट का नेम ले सकते हो। तो आप जस्ट एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो महाराष्ट्र में, या फिर ऐसा भी होता है। और मुझे लगा शायद टॉयलेट मूवी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ा है लोग समाज पे। तो यहाँ पर भी एक न्यूज़ आ रही है, आप लोगों के अंदर जागरूकता फैली है। और यहाँ पर जो वुमेन है, जो मतलब घर की बहू है, उसने अपने अपने दामाद करेक्शन अपने ससुर जी पे केस लगाया और बॉन्ड भराया कि बोला कि आप हमें टॉयलेट दिलाओगे इस तरीके से। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ फ्रेंड न्यूज़। आज की न्यूज़ के आइटम में बस इतना ही। पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको इसका मैं हाईलाइटेड वर्जन मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, साथ ही साथ फेसबुक में भी डाल दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। डेट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।